आज का प्रश्न हमें लिखा है श्री राम त्यागी जी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो श्री राम लिखते हैं कि गुरुदेव, पहले मैं ठीक था, लेकिन 2-3 साल से पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। बात बात पर मुझे क्रोध आता है, मुझे पत्नी पर क्रोध आता है, बच्चों पर क्रोध आता है, अपने ऑफिस में लोगों पर क्रोध आता है, यहाँ तक कि मैं सब्जी वाले से सब्जी लेता हूँ तो वहाँ भी क्रोध आता है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, क्योंकि मेरे सब काम धंधे चौपट हो रहे हैं। इस क्रोध की वजह से मैं न अच्छा कमा पा रहा हूँ, न अच्छे से जी पा रहा हूँ। तो अब गुरुदेव आपकी ही शरण में आया हूँ, क्योंकि मैं हर जगह भटक चुका हूँ, अब आप ही कोई उपाय सुझाएं। तो श्री राम, क्रोध बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ लेने जैसा है। लोभ और काम के बीच में क्रोध है, लोभ का आपको पता है, काम का भी आपको पता है। काम का अर्थ होता है कामना, लोभ का अर्थ होता है लालच। तो यह क्रोध जो होता है, यह दोनों के बीच में जीता है, और इसे समझ लेने जैसा है, क्योंकि यह इन दोनों से ज़्यादा जटिल है। क्रोध क्या है? अगर तुम्हारी कोई कामना में बाधा डाले तो क्रोध आता है, यह स्वाभाविक सी बात है, आप इसको अनुभव कर सकते हो। या तुम्हारे कोई लोभ में बाधा डाले तो भी क्रोध आता है। अगर किसी लालच को, तुम्हारा कोई लालच पूरा करने में कोई व्यक्ति बाधा बनता है, तब भी आपको क्रोध आता है। यह क्रोध इन दो ही पनपता है, लोभ से और काम से। कब आता है तुम्हें क्रोध? तुम एक सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो, लेकिन पत्नी बाधा डालती है तो क्रोध आता है। तुम शराब खाने जा रहे हो और बीच में कोई भला मानुष मिल जाता है और शराब के खिलाफ बोलने लगता है, रुकावट डालता है, तब भी तुम्हें क्रोध आता है, क्योंकि तुम कृपण हो। और एक भिखारी हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है और 4 आदमियों के सामने फजीहत में डाल देता है, तब भी आपको क्रोध आता है। तुमने अक्सर भिखारियों को पैसे क्रोध में दिए होंगे, 99% मौकों पर। तुमने सिर्फ इसलिए दिए होंगे कि झंझट छूटे, तुमने इसलिए दिए होंगे कि 4 आदमियों के सामने लोग क्या सोचेंगे, इसलिए दे दो। इसलिए भिखारी बड़े कुशल होते हैं, वे तभी हाथ फैलाते हैं जब देखते हैं कि भीड़ भाड़ हो। और श्री राम, अकेले में अगर तुम मिल जाओ सड़क पर, तो वे अपनी जेब बजा कर निकल जाते हैं, तुमसे पाने की आशा में नहीं, तुम निकाल न लो। इसलिए अकेले में भिखारी तुमसे सावधान रहता है, एकांत में ठीक नहीं, झंझट में पड़ना उचित नहीं। वह हमेशा तुम्हें भीड़ में, बाजार में, सड़क पर पकड़ता है, पैर पकड़ लेता है। 4 आदमियों के साथ जा रहे थे और फजीहत हो ही जाती है, अब यह इज्जत का सवाल हो जाता है। एक भिखारी इज्जत पर सवाल खड़ा कर रहा है, वह यह कह रहा है कि अब दे दो 1 रुपया, 1 रुपये के पीछे मत बदनामी करवाओ, लोग क्या कहेंगे। तुम देते हो क्रोध में, और जो क्रोध में दिया गया है वह दिया नहीं गया, क्योंकि दान सिर्फ प्रेम में दिया जाता है। तो पुरानी कहावत है, जर जोरू और जमीन, ये 3 उपद्रव के कारण बड़े प्राचीन समय से लोग समझते हैं। जर जोरू जमीन का मतलब यह है, धन और काम दोनों ही क्रोध का कारण बनते हैं। क्रोध दोनों के बीच में है, जैसे नदी क्रोध की बहती है, 2 किनारे हैं, एक काम का और एक लोभ का। अगर काम लोभ विसर्जित हो जाए तो क्रोध भी तक्षण विलीन हो जाता है। और अब ये बड़े मज़े की बात है कि मेरे पास लोग आते हैं जो पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे। मेरे पास कोई आदमी नहीं आया जिसने पूछा हो कि लोभ कैसे मिटे।
कोई आदमी नहीं आया कि जिसने अब तक पूछा होगा कि काम कैसे मिटे। रोज आदमी आते हैं जो पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे। क्रोध मिट नहीं सकता, क्रोध पर सीधा हमला करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि क्रोध बाय प्रोडक्ट है, वह तो काम और लोभ के बीच में जीता है। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि क्रोध कैसे मिटे, तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूँ कि इनको क्या कहूँ। इनको निराश करना भी उचित नहीं है, कम से कम इतना पूछने भी आए हैं तो यह क्या कम है। लेकिन इनको कहो क्या, क्योंकि अगर इनको कहो कि लोभ मिटाओ तो ये भाग जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। वे क्रोध मिटाना चाहते हैं, और क्रोध भी क्यों मिटाना चाहते हैं, ताकि लोभ सुविधा से कर सकें और काम का भोग शांति से हो। और कोई कारण नहीं है क्रोध मिटाने का। कोई परमात्मा को पाने के लिए क्रोध मिटाना नहीं चाहता। क्रोध में अड़चन आती है, कभी कभी ग्राहक पर क्रोध आ जाता है, फिर पीछे पछतावा होता है। कभी कभी पत्नी पर क्रोध आ जाता है, फिर पीछे पछतावा होता है, क्योंकि इससे काम में और लोभ में दोनों में बाधा पड़ती है। तुम दिन में पत्नी पर क्रोध कर लो, रात में वह बदला लेगी, वह तुम्हारे काम में बाधा डालेगी। क्रोध से अड़चन आती है काम में और लोभ में, इसलिए लोग क्रोध मिटाना चाहते हैं। लेकिन क्रोध मिटता है तभी जब काम और लोभ विसर्जित हो जाते हैं, और कोई मिटने का उपाय है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह दोनों के मध्य में जीता है। और श्री राम, जब तक ये दोनों मौजूद हैं तब तक क्रोध रहेगा। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि लोभी क्रोध को कैसे छोड़ देगा, क्योंकि जब तक उसके लोभ में कोई बाधा डालेगा तो वह क्या करेगा। क्रोध एक रक्षा है, और जब उसके काम में कोई बाधा डालेगा तो वह क्या करेगा। स्वाभाविक सी बात है, वह क्रोध करेगा। क्रोध सब अवरोधों को तोड़कर काम के विषय तक पहुंचने की चेष्टा है। क्रोध तुम्हारे भीतर की आक्रामक हिंसा है, जो रक्षा करती है लोभ की और काम की। लेकिन जब काम और लोभ ही न रहे, रक्षा के लिए कोई न बचा, तो रक्षक भी अपने आप विदा हो जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए कबीर भी कहते हैं, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरि पद चीने सोई। तो श्री राम, कबीर जी ने कहा है, जो इन तीनों की विवर्जना कर देता है, इन तीनों के पार हो जाता है, वही केवल हरि पद पर पहुंचता है। और श्री राम, हरि पद तो तुम्हारे भीतर है, जब तक ये तीन है तुम कहाँ होगे, हो भी कैसे सकते हो। अगर लोभ न हो जो तुम्हारे पास है, तो उसमें तुम न रहोगे। अगर काम तुम्हारे पास से चला गया तो तुम वहाँ भी नहीं रह पाओगे, तब तुम रहोगे कहाँ, तब तुम्हारी चेतना कहाँ आवास करेगी, कहाँ होगा तुम्हारा डेरा। अचानक तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे, और कोई जगह न रह जाने की, न पीछे जाने की जगह रही, न आगे जाने की जगह रही। पीछे का मतलब होता है भूतकाल में, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हो, किसी धन को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, आप भूतकाल से उसे पकड़े हुए हो, वह लोभ है। और न आगे जाने का रास्ता, आगे का मतलब होता है काम, कामना। तुम सोचते हो कल मैं उस सुंदर सी स्त्री को हासिल कर लूँगा, तुम सोचते हो कल मैं 1,00,000 रुपए कमा लूँगा, तो ये आगे की वस्तु होती हैं, जो भविष्य में होती है, यह काम कहलाता है। अब तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि न पीछे जाने को जगह बची, लोभ चला गया, न आगे जाने को जगह बची, काम चला गया। अब तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे, तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। यही स्वरूप हरिपद है, यही परमात्मा के चरण हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम काली।